नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अलीगढ़ में शराब का कहर अभी भी जारी है। जिले में 108 लोगों की जान जहरीली शराब से जा चुकी है। वहीं पुलिस शराब कांड के मुख्य आरोपी ने ऋषि शर्मा को रविवार सुबह बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के जिम्मेदार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश ऋषि शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रविवार को पुलिस ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि ऋषि शर्मा अवैध शराब से जुड़े कई सफेदपोशों के नामों का खुलासा कर सकता है। वहीं जहरीली शराब कांड में अब तक पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अब शराब माफिया इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बीते 28 मई को जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन में थी, जिसके बाद आज पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां मुख्य आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शराब माफिया पे इस वक्त 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें कि 1 लाख का इनामी ऋषि शर्मा बुलंदशहर बॉर्डर से पुलिस ने रविवार शाम गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ऋषि शर्मा को गिरफ्तार करके उससे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का यह दावा है कि कई सफेदपोशों का नाम इसमें सामने आ सकता है। तो अलीगढ़ में आपको बता दें कि 28 मई को जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें अब तक कम से कम 108 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। प्राइम टीवी 28 मई से लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। लगातार मामले सामने आए, जिसमें आबकारी आयुक्त को निलंबित कर दिया जाता है, कई पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आज पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। वही 17 मामलों में 61 लोगों को और गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आज जिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, उसे पकड़ने के लिए भी पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही थी। बीते 28 मई से लगातार पुलिस 6 राज्यों में दबिश दे रही थी, जिसमें आज सर्विलांस टीम की मदद से इस मास्टरमाइंड को बुलंदशहर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऋषि शर्मा की प्रॉपर्टी को भी शनिवार को जब्त कर लिया गया था और उसके ध्वस्तीकरण का भी काम किया गया था। आपको बता दें कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को शनिवार को ध्वस्तीकरण किया गया था। वहीं इसके परिवार की कई सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मास्टरमाइंड की पत्नी, बेटे और 2 भाई भी शामिल थे। वहीं आज इस अगली गिरफ्तारी में वहीं इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिरकार इस घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है और क्या अपडेशन आपको मिल पा रही है? शिवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद शिवा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां इस वक्त शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त 1 लाख का इनामी ऋषि शर्मा इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। अलीगढ़ में 28 मई को शराब कांड हुआ था, जिसमें अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब 1 लाख के इनामी ऋषि शर्मा को बुलंदशहर बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सर्विलांस टीम की मदद से 6 राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके बाद आखिरकार मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले में एक्शन में थी, जिसमें आबकारी आयुक्त को भी निलंबित किया जा चुका है। वही अगर आप बात करें तो 514 पुलिसकर्मी भी इस मामले में उनका निलंबित किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां 1 लाख का इनामी ऋषि शर्मा इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। वहीं इसी खबर पर हम तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। तो शिवा, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहती हूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शराब कांड के मास्टरमाइंड ऋषि शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है, और कुछ क्या अपडेशन मिल पा रहा है आपको? देखिए अनुष्का, अलीगढ़ पुलिस के लिए सबसे बड़ा मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, और इसी की गिरफ्तारी के लिए ना सिर्फ अलीगढ़
बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और साथ ही साथ एमपी में पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया था। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अलीगढ़ एसएसपी को दी गई थी कि जल्द ही जल्द उसको गिरफ्तार किया जा सके और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। काफी दिनों से ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो अलग अलग जगह से लोकेशन बदल रहा था। एसएसपी का कहना है कि उसको पकड़ने के लिए लगभग 500 से ज्यादा नंबर जो है उनको सर्वेलेंस पर रखा गया था और इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी उनको भी पकड़ने में काफी मशक्कत हुई थी और उनको 50,000 का 25,000 का इनाम हुआ था। तो इस पूरे मामले पे जो शराब कांड था जिससे तकरीबन 99 से ज्यादा लोगों की मौत हुई शराब पीने से, उस पूरे पूरे मामले में एसएसपी के बयान पर ये कहना बहुत सही होगा कि एक गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लगभग पूरी गिरफ्तारियां हैं और इससे गिरफ्तार भी हो रही है। लगभग 5 करोड़ की जो संपत्ति है आरोपियों की उनको चिन्हित करके उन पर या तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है या तो उनको कब्जा मुक्त कराया गया और लगभग तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया गया है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि जहरीली शराब का जो एक्शन था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया, सीधे सीधे डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए थे कि अगर वो आरोपियों पर लगाम लगाने में अगर वो नाकामी साबित होंगे या अगर वो फेलियर होगा उनका, सीधे सीधे उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि हफ्ते भर के अंदर तकरीबन 61 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 17 मुकदमे और 5 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नजीर होगी। और जो अभी आरोपी फिलहाल जो फरार है पुलिस की गिरफ्त से, उनको गिरफ्तार करना एक अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। लेकिन ऋषि शर्मा जो इस पूरे शराब कांड का मुख्य आरोपी था उसको कल देर रात अलीगढ़ और बुलंदशहर की जो बॉर्डर लाइन है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक सुबह ये अपडेट्स आ रही है। जी तो ऋषि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घटना का मुख्य आरोपी इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, 61 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं आपने बात की कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है, तो ऐसे कौन कौन से लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है? देखिए अनुष्का, इस बात का तो बहुत ज्यादा पता नहीं है इसलिए क्योंकि पुलिस के अधिकारी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं किसी भी नाम को जिनकी गिरफ्तारियां नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जिनकी गिरफ्तारी जैसे ही होती है वो एसएसपी अपने मीडिया सर्कल के थ्रू उसके नाम रिवील करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस शराब कांड से उसका किस तरीके का ताल्लुक था। तो जो नेक्सस था उस नेक्सस को खत्म करने के लिए और गिरफ्तारियां करना अलीगढ़ पुलिस के लिए बहुत जरूरी भी है कि इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा ना सिर्फ अलीगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिलों में ना हो। तो इस जहरीली शराब के पूरे नेक्सस को खत्म करने के लिए पुलिस को एक कमर कसनी होगी और एकजुट होना पड़ेगा। एक बड़े सवाल ये उठता है कि अगर ऋषि शर्मा की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पूछताछ में ये बातें आ सकती है कि आखिरकार जो जहरीली शराब का जो जखीरा है जो इतने समय से अलीगढ़ के अंदर बनाया जा रहा था वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में यानी कि कौन कौन से जिलों में सप्लाई हुआ है, कहां पर उसकी स्टोरेज है और किस किस जगह पर उसकी गई है। क्योंकि अनलॉक के बाद जिस तरीके से शराब की दुकान खोलने की बात हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर देखा गया था कि जहरीली शराब ये अलीगढ़ में और अलीगढ़ के आसपास के इलाकों में सप्लाई होने की आशंका है और उसी चीज को शायद अलीगढ़ पुलिस को ढूंढना होगा और ये जो तमाम गिरफ्तारियां और होनी है उससे इस नेक्सस का बहुत ज्यादा कमर तोड़ी जा सकेगी। जी तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से गिरफ्तारियां भी की जा रही है वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आज का क्या अपडेशन मिल पा रहा है, कितने लोगों की अब तक मौत सामने आई है इस मामले में? देखिए अनुष्का, अभी पुलिस के द्वारा यही बताया गया है कि 99 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है और उस पोस्टमार्टम में उन लोगों के जो मरने की पुष्टि हुई है उसकी सीधी सीधी वजह जहरीली शराब थी। कई लोगों की और मौतें हुई है, उनका पोस्टमार्टम तकरीबन दोपहर के बाद हो जाएगा और उसके बाद ये एक साफ स्पष्ट होगा कि उनकी जो मौतें हुई है वो जहरीली शराब की वजह से हुई है नहीं हुई है। लेकिन 100 के पार का आंकड़ा एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास होगा कि जहरीली शराब कांड में अलीगढ़ के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस पूरे नेक्सस से जुड़ा हुआ जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिकल एंगल से बाहर निकल के आए, चाहे वो माफिया गठजोड़ से बाहर निकल के आए, सभी के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की तरफ से एक एंगल ये भी रह सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन की जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई होती है, जो सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के अंदर दिला सके, इसका बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग पुलिस के बड़े अफसर करेंगे और साथ ही साथ जो जो भी कोई कनेक्शन निकल कर आता है उसमें कोई भी बचने ना पाए, इसके लिए डीजीपी को साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि एडीजी और डीआईजी अपने लेवल से मॉनिटरिंग करे और एसएसपी के साथ रोज आना बैठक करे कि शराब कांड से लेकर जितने भी लोग हैं उन सबकी गिरफ्तारियां की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। जी तो शिवा, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को हम समझ पा रहे हैं, 28 मई को यह घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद से लगातार एसएसपी इस वक्त एक्शन में आ चुके हैं जिसमें 514 पुलिस कर्मियों के भी ट्रांसफर किए जा चुके हैं, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शराब कांड होता है जिसमें आबकारी
आयुक्त को निलंबित किया जा चुका है, 514 पुलिसकर्मी जिनके ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो क्या ये सिर्फ आबकारी आयुक्त और पुलिसकर्मी जो छोटे स्तर पे थे सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? क्या डीएम और एसएसपी पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी? देखिए अनुष्का, ये हमेशा से देखा गया है कि कोई भी बड़े व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती, बड़े औहदे पर कार्रवाई नहीं होती है, और शायद यही वजह है कि इसीलिए नजीर बहुत ज्यादा पेश नहीं हो पाती है। अगर आप बड़े लोगों पर एक्शन करेंगे, अगर बड़े मुखियाओं को अगर आप इस जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं दोबारा देखने को मिलेंगी। जो आपने बात की 514 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर होने की, कहीं ना कहीं इनकी भी रिपोर्ट होगी, उनकी भी एक नेक्सस होगा कि वो अपने इलाकों में कई तरीके से जमे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होता होगा, इसीलिए शायद एसएसपी ने उन सभी लोगों के ट्रांसफर किए थे। लेकिन एक नजीर बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरीके का कांड अगर किसी जिले में होता है, अगर इतनी मौतें होती हैं, 100 से ज्यादा मौतें अगर होती है, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, ताकि बड़े पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उन लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं नजीर पेश नहीं होगी। डीएम के बाद एक जरूरी पद होता है एसडीएम, और साथ ही साथ पुलिस की एक बहुत बड़ी मॉनिटरिंग लेवल होता है कि किसी भी इलाके में अगर कोई भी निर्माण होता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, अगर ऐसे में अगर वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, चाहे वो जहरीली शराब से जुड़ा हो या किसी चीज से, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो उसके ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है उन लोगों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। जरूर कहीं ना कहीं एसएसपी और डीएम को भी इस बात का दोषी होना चाहिए था, क्योंकि 99 से ज्यादा मौतें हो चुकी अनुष्का, और ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहरीली शराब से 99 से ज्यादा 100 से आंकड़ा पार कर चुका हो और इतनी मौतें हो जाए। ऐसे में डीएम और एसएसपी की जवाबदेही होनी चाहिए, और शायद बड़े अफसरों को शायद ये जिम्मेदारी दी भी गई है कि डीएम और एसएसपी की इसमें जो ये कहा जाएगा कि जवाबदेही है, वो जरूर ले और शासन तक ये रिपोर्ट जाए। जी तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थाना लोधा के खैर क्षेत्र से ये घटनाक्रम शुरू हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा मौतें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार टप्पल, गभाना, अकराबाद से भी मौतों के सिलसिले जारी है और पुलिस अब तक इन सबको मॉनिटर नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि 28 मई के बाद से अब तक पुलिस ये मॉनिटर क्यों नहीं कर पा रही है कि किन किन क्षेत्रों में वो शराब सप्लाई की गई थी? देखिए अनुष्का, सबसे पहली बात तो यही है कि जो जब मौतें हुई लोगों की, और जब शासन लेवल पे ये पूरा मामला गया और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया, तो सबसे पहले पुलिस की प्रायोरिटी यही थी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस पूरे कांड के दोषी है या किसी भी तरीके से उनकी संलिप्तता है। कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, चाहे वो पुलिस लेवल से हो, चाहे जिला प्रशासन के लेवल से हो, उन सबकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये सही बात है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर लेवल के हैं या जो एडीजी लेवल के हैं, वो इन सब चीजों को देखेंगे और शायद इस बात की रिपोर्ट भी एक तैयार की जाएगी और शासन को भेजी जाएगी। लेकिन जहां जहां शराब के छुपे होने की या शराब के बाहर जाने की बातें थी, वहां पर लोगों को वहां से दूर रखा गया। नहर की अगर जो बात करी जाएगी, जहरीली शराब को जो नष्टीकरण था, जो नहर पे बहाया गया था, उस नहर को भी बंद किया गया था, और वहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के लोग भी थे, जो उस नहर को बंद कराने के बाद पूरी तरीके से वहां पर उन्होंने जहरीली शराब को हटाया था। लेकिन उस आखिर और कहां कहां जहरीली शराब फेंकी गई, ये तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, ये पूछताछ का दौर होगा कि आखिरकार इनके पास स्टोरेज तो कहीं और नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी से पर्दा उठा है कि आखिरकार पुलिस का फेलियर है, एलआईयू का फेलियर है, और जिला प्रशासन के जो अधिकारी जो बड़े पद पर बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसलिए बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और शासन स्तर को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही थी जिसमें शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त शराब कांड का मास्टरमाइंड ऋषि शर्मा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।